दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे घड़ी बनाने वाली एक ऐसी कंपनी के बारे में जो कि अपनी क्वालिटी और अपने दामों की वजह से जानी जाती है और लोग इन्हें स्टेटस सिंबल के तौर पर देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ रोलेक्स की घड़ियों के बारे में। और दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स के बारे में जो कभी पैसों की तंगी होने की वजह से घड़ियाँ एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी में काम किया करता था, वो कैसे इन्हीं घड़ियों की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया। और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि रोलेक्स के इन महंगी घड़ियों की आखिर असल वजह क्या है। तो दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल फैक्टोमैन में। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए आज का ये सक्सेस स्टोरी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1881 में जर्मनी के एक छोटे से कस्बे में पैदा हुए हैंस विल्सडॉर्फ के जन्म के साथ। और ये 12 साल की उम्र में अनाथ हो गए और कैसे भी करके इन्होंने अपनी पढ़ाई एक सरकारी स्कूल में जारी रखी। और फिर 19 साल की उम्र में इन्होंने पहली बार घड़ियों की दुनिया में कदम रखा। दरअसल दोस्तों पैसों की किल्लत होने की वजह से इन्हें घड़ियां एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी में एक मामूली सी जॉब करनी पड़ी थी। और फिर सन 1903 में घड़ी बनाने वाली कंपनी में इन्होंने जॉब की, जहां पर इन्होंने घड़ी बनाने की बारीकियों को भी सीखा था। और कुछ समय बाद इन्होंने अपने लिए कुछ बड़ा करने की सोची और साल 1905 में अपने साले अल्फ्रेड डेविस से लोन लेकर के विल्सडॉर्फ एंड डेविस नाम की एक कंपनी की शुरुआत की। और कंपनी शुरू करने के बाद इन्होंने बाहर के देशों से घड़ियां इंपोर्ट करनी शुरू की और बाद में बिजनेस बड़ा होने पर इन्होंने खुद की घड़ियां बनानी शुरू कर दी। और साल 1908 में इसी कंपनी को रोलेक्स के नाम से रजिस्टर किया गया और इसी साल रोलेक्स ने अपना एक और ऑफिस स्विट्जरलैंड में खोला। हालांकि दोस्तों साल 1919 में इन्हें अपना इंग्लैंड वाला ऑफिस हटाना पड़ा क्योंकि वहां की सरकार ने टैक्स ड्यूटी बहुत ज्यादा बढ़ा दी, जिस वजह से इन्हें अपना मेन ऑफिस स्विट्जरलैंड शिफ्ट करना पड़ा। और फिर रोलेक्स ने धीरे धीरे मार्केट में अपनी पकड़ बनानी शुरू की और सन 1926 में विल्सडॉर्फ ने अपनी पहली वाटरप्रूफ घड़ी बनाई थी। दरअसल दोस्तों विल्सडॉर्फ एक ऐसी घड़ी बनाना चाहते थे जो बाहरी फैक्टर से कभी भी अफेक्ट ना हो। और आगे के समय में भी रोलेक्स ने घड़ियों को अपडेट किया, जैसे कि सन 1945 में रोलेक्स ने अपनी घड़ियों पर पहली बार तारीख दिखाने वाला फीचर जोड़ दिया। और फिर अपनी घड़ियों की क्वालिटी जांचने के लिए इन्होंने घड़ियों के कई सारे टेस्ट करवाए, जैसे कि हाई प्रेशर वाटर टेस्ट और हाई प्रेशर एल्टीट्यूड टेस्ट और कुछ इसी तरह के और भी कई सारे टेस्ट करवाए। और मैं बता दूं कि साल 1953 में माउंट एवरेस्ट को पहली बार फतह करने वाले एमंड हिलेरी ने रोलेक्स घड़ी पहन करके ही एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी और इतने हाई एल्टीट्यूड होने के बावजूद भी इस घड़ी में एक भी सेकंड का अंतर नहीं आया। वहीं दोस्तों साल 1960 में इसे सबमरीन की मदद से समुद्र में करीब 100 फीट नीचे पहुंचाया गया और पानी का इतना ज्यादा प्रेशर होने के बावजूद भी घड़ी पूरी तरह से सही काम कर रही थी। तो दोस्तों यही चीजें हैं जो रोलेक्स को बाकी कंपनी से जुदा करती हैं। और दोस्तों ये बात जानकर के आपको हैरानी होगी कि रोलेक्स की घड़ियां बेहद सस्ती होती है और जिसे आम आदमी आसानी से खरीद सकता है। इन घड़ियों की रेंज सिर्फ 2 लाख रुपए से कुछ करोड़ों रुपए तक होती है। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। खैर दोस्तों अब बात करते हैं रोलेक्स की घड़ियां इतनी महंगी क्यों होती है, लेकिन शायद आपके मन में अभी ये क्वेश्चन आ रहा होगा। तो फिर क्या लोगों का क्रेज इसके पीछे बेवजह है? जी नहीं दोस्तों, क्योंकि मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ उसे जानने के बाद आपको भी रोलेक्स की घड़ियों की कद्र होगी। तो दोस्तों इन घड़ियों के प्रोडक्शन के लिए अलग से एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब बनाई गई है, जहां पर इन घड़ियों पर अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। और इसके अलावा रोलेक्स में जिन मटेरियल्स का यूज किया जाता है वो काफी महंगे होते हैं, जैसे कि इनमें 940L स्टील का इस्तेमाल किया जाता है जो इसे बेहद मजबूत और चमकदार बनाता है। वहीं दोस्तों बाजार में मिलने वाली आम घड़ियों में 316L स्टील का इस्तेमाल किया जाता है और इसके डायल में व्हाइट गोल्ड का यूज किया जाता है और घड़ी के नंबर्स को कांच के प्लेटिनम से तैयार किया जाता है और जरूरत पड़ने पर कभी चीनी मिट्टी का भी यूज किया जाता है। और दोस्तों लाखों करोड़ों की ये घड़ियां यहां के स्पेशलिस्ट खुद अपने हाथों से इन्हें बनाते हैं और इन घड़ियों को बनाने का करीब 90% काम हाथों से ही किया जाता है और बाकी का 10% काम यहाँ की मशीन्स करती हैं।
और इसी वजह से कंपनी एक दिन में सिर्फ 2000 घड़ियां ही बना पाती है। और दोस्तों इन घड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग स्विट्जरलैंड में ही की जाती है। और दोस्तों आज के समय में रोलेक्स की ब्रांड वैल्यू करीब $8 बिलियन है। दोस्तों अब आप अपनी खुद की रोलेक्स वॉच कब खरीद रहे हैं मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं, और ये वीडियो कैसा लगा और आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना पसंद करेंगे वो भी मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और पास वाली बेल आइकन को भी दबा लीजिए कहीं उसे बुरा ना लग जाए। सो गाइस फिर मिलेंगे एक ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए गाइस टेक केयर, बाय बाय।